हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मोटी। मैं हूं परी और आज की रेसिपी है मिक्स फ्रूट जैम रेसिपी। ये जैम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बनाना बहुत ही आसान है, चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिक्स फ्रूट लेना है। तो हमने यहाँ पर ऑरेंज लिए हैं। ऑरेंज को अच्छे से इसके छिलके उतार कर इसे अलग अलग कर लेंगे। अब इसे मिक्सी में हम अच्छे से पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे जब पीसे तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो देखिए, इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पीस लिया है। अब इसे अलग एक बर्तन में हम रखेंगे। और थोड़े से ऑरेंज रह गए थे, उसे हम बाकी फ्रूट के साथ भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने अंगूर लिया है और अनार लिया है और ऑरेंज है, इन तीनों को हम साथ में एक साथ में पीस लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने पीस लिया है। अब इसे भी हम उन्हीं बाकी के पीसे हुए फ्रूट के साथ मिक्स कर लेंगे। अब चलिए बचे हुए फ्रूट को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अमरूद लिया है और सेब लिया है, इन सभी को अच्छे से पीस के हम पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे से पीस लिया है। अब चलिए इसे भी अलग बर्तन में रख लेते हैं। अब इन सभी को अच्छे से हम छान लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने फ्रूट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से छान लिया है। तो देखिए, इसी तरीके से हमें अच्छे से छान लेना है। अब चलिए हम जैम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैम बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है और जितने भी हमने फ्रूट को अच्छे से पीसा है उसमें हम कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से इसे हम पकने देंगे। तो लगभग हम इसे 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने देंगे और साथ में इसे 2 कप के बराबर शुगर ऐड कर लें। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हम हाई फ्लेम पे बॉयल होने देंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये अच्छे से बॉयल होने लग गया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे ही इसे हम पकाते रहेंगे। तो इसे अच्छे से चलाते हुए हम इस तरीके से पका लेंगे। तो देखिए, जैम हल्के हल्के से गाढ़े होने स्टार्ट हो गया है और हम इसे अच्छे से चलाते हुए इसे गाढ़ा करना है। तो देख सकते हैं आप, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे से ये बॉयल हो गया है, ये गाढ़ा हो गया है। तो इसे अभी हम हाई फ्लेम पे ही इसे और पकने देंगे और बीच बीच में हम इसे अच्छी तरीके से अच्छे से घुमाते हुए इसे अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आने स्टार्ट हो गई है। तो जब जैम से बहुत अच्छी अच्छी वाली खुशबू आने लगे तो आप समझिए कि आपका जैम बिल्कुल बन के रेडी होने वाला है और इसे बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। अब इसे हम बॉयल होने देंगे। देख सकते हैं आप, ये बॉयल होते होते कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो और हम थोड़ी देर इसे चला लेते हैं। तो देखिए, ये लगभग बन के रेडी ही हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर चला लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये बन गया है।
मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो इसे थोड़ा सा इस तरीके से इस टाइम में हम बिल्कुल लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो हम बिना रुके इसे लगातार चलाते रहेंगे। और जैम से बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है इस टाइम। बिल्कुल मन कर रहा है अभी बने और इसे हम मैं खा लूं। इस तरीके का एकदम बढ़िया वाली खुशबू आ रही है। तो लो जी, मेरा जैम तो बिल्कुल रेडी हो गया बनके और देखने में ही बहुत ही ज्यादा अच्छा सा लग रहा है। और बस यही मन कर रहा है कि झटपट इसे बनाऊं और जल्दी जल्दी इसे ठंडा करूं और फिर मैं इसे खा लूं। तो जैम तो रेडी हो गया, तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा एक छोटे से बाउल में इसे देख लेते हैं, डालकर चेक कर लेते हैं कि ये मतलब अच्छे से रेडी हो गया है या नहीं। तो अगर जैम को चेक करना है तो एक आप बाउल ले, अगर उसमें जैम बिल्कुल भी इस तरीके से हो, देखिए इसमें से अगर ये लिक्विड की तरह नहीं है और जैम एक जगह जमा है, ये फैल नहीं रहा है, तो जैम आपका बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब गैस को आप बंद कर लें और जैम को आप ठंडा होने दें। तो गैस बंद करने के बाद भी एक दो मिनट के लिए हम जैम को इस तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से हम जैम को अच्छे से चला लेंगे। तो आपको मैं जैम दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैम कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही। देखिए, देख सकते हैं आप इसका कलर कितना अच्छा सा है, कितना यम्मी, कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही। तो चलिए, जैम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। देखिए, तो अब हम गैस से कढ़ाई को हटा लेंगे और जैम को हम जिस बर्तन में स्टोर करके रखेंगे, आप चाहें तो जैम को अब स्टोर करके एक दो महीने के लिए भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब इसे जिस बर्तन में हमें रखना है उसे किस तरीके से साफ़ सफाई करके हमें स्टोर करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने गैस को बंद कर लिया है और गैस अब इसे हम अलग रखेंगे और अलग किसी बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं करना है, हम इसे कढ़ाई में ही छोड़ेंगे इसे ठंडा होने के लिए। तो इसे हम 15 मिनट तक इसे हम छोड़ देंगे कढ़ाई में ही, और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे हम बर्तन में, अलग बर्तन में रखेंगे जिसमें हमें स्टोर करना है। तो जिस बर्तन में आप स्टोर करें, तो उस वो कांच का बर्तन हो, कांच के बर्तन को अच्छे से हम बॉयल पानी में इस तरीके से साफ कर लेंगे। तो देखिए, पानी को अच्छे से गर्म कर लें और जार को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें पानी में हम साफ कर लेंगे। तो देखिए, ये साफ़ हो गया। अब इसे सूखे हुए कपड़े से हम अच्छे से पानी को सुखा लेंगे। और देखिए, 15 मिनट हो भी गया है और जैम ठंडा हो गया है, तो हम इसमें जैम को अच्छे से डालेंगे और इसे अच्छे से हम स्टोर करके रख लेंगे। तो आप भी बनाएं और इसे बच्चे को दें। बच्चे को जैसे जैम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, वो रोटी के साथ जैम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पराठे के साथ भी जैम उन्हें पसंद आता है। तो आप घर पे बनाएं, देखिए कितना यम्मी टेस्टी सा जैम लग रहा है, कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है देखने में। तो आप प्लीज़ इसे बनाएं, खुद भी खाएं, फैमिली को दें, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप मिक्स फ्रूट जैम घर पर ही बनाएं, अपने बच्चों को दें। बच्चों को अगर लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी लगेगा। तो क्यों हम बाहर का जैम दें अपने बच्चों को, घर पर ही बनाकर उसे दें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।